जब से ताजिर तंजीमों के अहदेदारान की मदद में तौसी हुई है, ताजिर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। वजह यह है कि टारगेट्स पूरे करने और मंसूबों की तश्कील के लिए एक साल का अरसा ना काफी था। हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बाद इस्लामाबाद चैम्बर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। लोग फूलों के गुलदस्तों और मिठाई की टोकरों के साथ आ रहे हैं और सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसएस अफर बख्तावरी और इनकी काबीना को मुबारकबाद देकर अपने मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन और ICCI के साबिक सदर अहमद वहीद की क्यादत में इंडस्ट्रियल एरिया की नामवर शख्सियात, चैम्बर के साबिक सदूर और सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन जफर बख्तावरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुद्दत सदारत में एक साल की तौसी पर मुबारकबाद देने के लिए आया। वफद की आमद पर चैम्बर की जानिब से खुशी और शादमानी का इजहार किया गया, रेड कार्पेट बिछाया गया। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन इस्लामाबाद चैम्बर में मुझे और मेरी टीम फाद वहीद और इंजीनियर अजुल इस्लाम साहब को और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जिनको एक साल की एक्सटेंशन मिली है उनको मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए हैं। आप मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद चैम्बर है इसमें जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन का है उससे ज्यादा किसी का नहीं है। ऐसे मुख्तारी साहब ने अपनी तकरीर में जब शुरू की उन्होंने कहा कि आपकी मार्केटों के जो आपने मसले बताए हैं ये चार में जी सीरीज एफ सीरीज तो बहुत अपना सुपर मार्केट हो गया या छोटा जिना हो गया इनकी तरफ तो फिर भी कोई बात अच्छी है। इस तरह जी सीरीज बहुत बुरे ना इन्होंने 1 करोड़ रुपया एहसन मुख्तारी ने 1 करोड़ रुपया अपनी तरफ से इनको डिबेट कर दिया। मैं एक तो ट्रेड भी कुछ नहीं आगे पाया और आप भी ट्रेड के बारे में पूछ रहे ट्रेड और जो इंडस्ट्री है एक है ये दो हमने भी बना दिए वो इंडस्ट्री है जैसे नील खड़ा होना चाहिए मैं समझता हूं मर जाना चाहिए अंदर। अभी हम यार ऐसा बख्तारी साहब को उनके 2 साल का टेन्योर होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और वो हमारा बच्चा है हमें उसके उसकी उसकी जो एज ए प्रेजेंट माशाल्लाह वो हमारा वैसे फ्यूचर में प्यारा है नफीस आदमी है ठंडी तबीयत क्या मीठी है बड़ों की इज्जत करता है रिस्पेक्ट करता है यही की पॉइंट होते हैं इंसान अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करना और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना। फिर भी कायदीन यहाँ पर तशरीफ रखते हैं मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप एहसन बख्तावरी को उसके टेन्योर में 1 साल के इजाफे पर मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ चैम्बर में तशरीफ लाए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रेसिडेंट साहब आपको चेयरमैन साहब आपको वाइस प्रेसिडेंट साहब आपको सिटी वाइस प्रेसिडेंट साहब आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ना सिर्फ मुबारकबाद बल्कि आज वाकई ही मैं फखर से ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपका पहला साल गुजारा है माशाल्लाह हमने देखा है हमें नो डाउट इसमें शायद कोई नहीं था कि बख्तावरी साहब जब साथ होंगे कि अपने टाइम में भी 8 बजे मैसेज पहुंच जाता था सुबह यू के इवेंट की लैर पर होगी यू हैड वंडरफुल व्यूअर्स फर्स्ट ईयर व्हाट यू हैव गॉन पास्ट और इसी उम्मीद से इसी ख्वाहिश से कि आपका अगला साल जो भी आपको मिला है और आपके बोर्ड को आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मिला है वी रियली होप कि इंशाल्लाह जो आपकी ख्वाहिशात हैं जो आपके वादे और तहत हैं जो मार्केटों से किए हैं एज अ फाउंडर ग्रुप के तहत वो अल्लाह करे इंशाल्लाह पूरे हों। खुशी के इस मौके पर चेयरमैन फाउंडर ग्रुप जनाब खालिद इकबाल मलिक सदर ICCI एसएन सफर बख्तावरी सदर इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन अहमद वहीद चौधरी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जफर बख्तावरी सीनियर नायब सदर ICCI फाद वहीद नायब सदर इंजीनियर अजू इस्लाम जफर साबिक सदर खालिद जावेद साबिक सदर मियाँ अक्रम फरीद साबिक सदर मोहम्मद इजाज अब्बासी FPCCI के लिए नामजद उम्मीदवार बराए सदात आतिफ अकराम और दीगर ने गुफ्तगू की। मेहमानों ने मुबारकबाद दी और सदर ICCI की कारगर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया और आने वाले साल के लिए दुआओं नेक तमन्नाओं का इजहार किया।